झटपट से बनने वाले पकोड़े एक ऐसी इजी और डेलिशियस रेसिपी है जिसे आप जब मर्जी हो तभी बनाकर खा सकते हैं। गेस्ट आ जाए तो उन्हें फटाफट से बनाकर सर्व कर सकते हैं। गर्मा गर्म पकौड़ों का असली मजा कड़ाके की ठंड में या फिर बारिश के मौसम में एक कप गर्मा गर्म चाय के साथ ही आता है। तो आज बारिश ना सही, कड़ाके की ठंड तो है। तो नमस्कार, हेलो एवरीवन। भाई पकौड़े तो आपने कई प्रकार के खाए होंगे, लेकिन क्या कभी मूली के पकौड़े खाए हैं? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मूली के एक ऐसे टेस्टी चटपटे करारे कुरकुरे पकौड़े जिनका स्वाद सबसे अलग और सबसे टेस्टी है। और सच कहूं, अगर आपने एक बार ये पकौड़े बनाकर खुद खा लिए या अपने परिवार को खिला लिए तो सारे के सारे आपसे ये पकौड़े बनाने के लिए फरमाइश तो जरूर करेंगे। तो ट्राई करके जरूर देखिएगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आपको रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक के बिना मत जाइएगा। और ऐसे ही शानदार बेहतरीन रेसिपी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मूली के इस चटपटे कुरकुरे पकौड़े की शानदार रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मूली के पकौड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिए दो मूली और साथ में मूली के पत्ते जिनको हमने अलग करके रख लिया है। अब ये मूली को साइड में कर देते हैं और तब तक यहाँ पर मूली के पत्तों को इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे। मूली के पत्तों को यूजुअली लोग फेंक देते हैं, लेकिन फेंकने से अच्छा है आप इसका सलाद के रूप में इसको खा सकते हैं, इसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं या इस तरह से पकौड़े बनाकर खा सकते हैं। बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। मूली के पत्तों काटने के बाद अब हम मूली के छिलकों को इस तरह से उतार लेंगे। मूली को छीलने के बाद मूली को धोकर हम मूली को कद्दूकस कर लेंगे। मूली और मूली के पत्ते दोनों ही हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। और बहुत से लोग हैं जो मूली के पत्ते से बनी सब्जी पसंद नहीं करते, तो आप इस तरीके से उन्हें पकौड़े बनाकर खिला सकते हैं। बहुत ज्यादा पौष्टिक होते हैं। तो मूली के पत्तों को काट कर हमने अच्छे से धो लिया, ऐसे 3 से 4 बार पानी से जरूर धोए क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है। साथ में मूली को भी कद्दूकस कर लिया है, तो ले लिया एक बर्तन, इसमें डाल दी हमने कद्दूकस की मूली। इसको हमने निचोड़ना नहीं है, इसके रस समेत हमने इसको डाला है। साथ में हम इसमें डाल रहे हैं बेसन, इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट। और अब हम इसमें डालेंगे मूली के पत्ते बारीक कटे हुए। और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच करीब नमक डाल रहे हैं हम इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मिर्च अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा हम डाले इसमें अजवाइन और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं हम। और साथ हम डाल रहे हैं 1 चम्मच करीब कुटा हुआ अदरक। साथ हम डाल रहे हैं 2 बारीक कटी हरी मिर्च। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। साथ हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा 1 चुटकी सोडा, यानी कि मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। वैसे इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मूली में बहुत ज़्यादा रस होता है, तो इसको हमने मूली के रस को निचोड़ा नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के रस से ये बैटर तैयार हो जाएगा, धीरे धीरे अच्छे से मिक्स हो जाएगा अच्छे से। और ज़रूरत पड़ने पर आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे हाथ से ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है धनिया डालने से, दिखने में भी अच्छा लगता है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे हम। तो देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए पकौड़े बनाने के लिए, ना ही बहुत ज़्यादा गीला और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट बैटर होना चाहिए, बिल्कुल सही परफेक्ट होना चाहिए। देखिए, आप देख रहे होंगे। तो पकौड़े बनाने के लिए बैटर बनकर रेडी है। तो यहाँ पर हमने ले लिए कढ़ाई और इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल और इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हम यहाँ पर बैटर में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम लेकर तेल में डालते जाएंगे। तो जितने कढ़ाई में पकोड़े आ जाए उतने ही हम डालेंगे। पकोड़े डालने के बाद इसे कुछ सेकंड्स के बाद हम इसको उल्टेंगे क्योंकि पकोड़े थोड़े कच्चे होते हैं, थोड़ा सेट होने के बाद ही हम इसको उल्टेंगे। तो अब हम इसको इस तरीके से चलाते हुए उलट पुलट के गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। हमारे जो पकोड़े हैं वो बनने स्टार्ट हो गए। ये जो शुरू के पकोड़े हैं ये बनकर रेडी हैं। ये देखिए, इस तरीके से इसको हम निकाल लेंगे। पहले जो पकोड़े तल गए हैं उसको हम निकाल लेंगे प्लेट में और बाकी के पकोड़े जो हैं उसे भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकने के बाद इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो पकोड़े हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए, इसको निकाल लेंगे हम। तो ये देखिए, पकौड़े कितने करारे और कितने कुरकुरे लग रहे हैं, कलर भी बहुत सुंदर आया है। तो निकाल लेते हैं इसे प्लेट में।
इसी तरीके से हम बाकी के बचे बैटर के पकौड़े भी बना लेंगे। तेल में डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके और जितने आ जाए कढ़ाई में उतना, और फिर से उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने पर पकौड़ों को प्लेट में निकाल लेंगे। तो बनकर रेडी है गर्मा गर्म मूली और मूली के पत्तों से बने बेहद स्वादिष्ट, बेहतरीन, मजेदार करारे कुरकुरे पकोड़े, जो कि बाहर से बिल्कुल करारे हो, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, ये देखिए, और मुंह में जाते घुल जाएंगे। बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मजा आ जाएगा आपको खाकर। तो ट्राई जरूर कीजिएगा और जमकर लुत्फ लीजिए इस शानदार, बेहतरीन, टेस्टफुल, पौष्टिक कुरकुरे पकौड़ों का, एक कप गर्मा गर्म चाय के साथ या फिर सॉस के साथ। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में जो घंटी के बटन से भी जरूर बजा दीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।